खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। बार बार जीतना आपके दिमाग को कैसे बदलता है और ये दिमाग का बदलाव आपके करियर को कैसे बदल कर रख सकता है, ये जानने के लिए एक रिसर्च स्टडी से शुरू करते हैं। 2010 में साइंटिस्ट ने एक रोचक रिसर्च स्टडी की जिसमें उन्होंने समान वजन और साइज वाले चूहों को आपस में लड़ाया। रोचक बात ये थी कि पहले चूहे को जिताने के लिए दूसरे चूहे को नींद की थोड़ी सी दवा दी गई ताकि दूसरा चूहा थोड़ा सुस्त हो जाए और पहले वाले चूहे की जीतने की संभावना बढ़ जाए। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहला चूहा 5 में से 4 बार जीता। फिर 20 मिनट के ब्रेक के बाद दोनों चूहों को फिर लड़ाया गया। अब तक दूसरे चूहे का नशा उतर चुका था लेकिन इस बार भी पहला चूहा 5 में से 4 बार जीता। यह एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया गया, अलग अलग साइज के चूहों को भी लड़ाया गया और पाया गया कि भले ही चूहा कमजोर क्यों ना हो, जो चूहा पहले जीत को अनुभव करता है उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यह रिसर्च स्टडी विनर इफेक्ट की सटीक डेफिनेशन है। विनर इफेक्ट कहता है केवल लड़ाई ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में जब हम पिछले मुकाबलों में जीत अनुभव करते हैं तब भविष्य में हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे कॉम्पिटिटर या चैलेंज हमसे ताकतवर ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बार बार जीत महसूस करते हो तो टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन और दूसरे हार्मोन बढ़ते हैं जिस कारण आप मोटिवेशन, फोकस और थोड़ा एग्रेशन भी महसूस करते हो। इसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज बदलती है जो आपको कॉम्पिटिशन पर एडवांटेज देती है, यानी आप अगली बार फिर जीतते हो, आप दोबारा अच्छा महसूस करते हो, कुछ नई बातें सीखते हो, ये साइकिल आपको ऊपर उठाती जाती है। एग्जाम्पल के लिए विनर इफेक्ट में एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें पाया गया जिन मर्दों पर लड़कियां और औरतें ज्यादा ध्यान देती हैं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं, वो मर्द ज्यादा बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन महसूस करने लगते हैं, यानी वे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, इनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखो कि ये साइकिल हर जगह है। विनर इफेक्ट के लेखक इयान रॉबर्टसन कहते हैं, एक स्टूडेंट जो खुद को इंटेलिजेंट महसूस करता है वो जटिल और बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है जिस कारण वो ज्यादा फोकस लगा सकता है। एक अच्छा म्यूजिशियन और ज्यादा कठिन प्रैक्टिस करता है। एक अच्छा प्लेयर कंसिस्टेंट अभ्यास करने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। इसलिए जो लोग विनर इफेक्ट की साइकिल में बने रहते हैं उनकी सफलता बढ़ती जाती है, यानी करियर की दिशा बदल जाती है। अब दुख की बात यह है कि इसका उल्टा भी सच है, लूजर इफेक्ट। जो लोग छोटी छोटी चीजों में हारा और छोटा महसूस करते हैं वे अपना आत्मविश्वास गिराते जाते हैं जिस कारण वो अगले काम के लिए, अगले प्रोजेक्ट के लिए पूरी शक्ति और बुद्धि नहीं लगा पाते, ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाते। जहां एग्रेशन की जरूरत होती है वहां शर्मा जाते हैं क्योंकि मन में एक डाउट बना रहता है, इसलिए वे हर बार और कमजोर होते जाते हैं, यानी विनर इफेक्ट की साइकिल में नीचे उतरते जाते हैं और हर बार ज्यादा हारा हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए विनर इफेक्ट की डाउनवर्ड साइकिल में फंसकर लगता है कि हम अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे क्योंकि हम लगातार हार पर फोकस करते हैं। और इसके दो कारण हैं। पहला, नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग गलत चीजों से सीखता है, इसलिए हमारा दिमाग पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देता है और इसलिए हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव इमोशन को ज्यादा याद रखते हैं। दूसरा कारण है सोशल कंपैरिजन। हम ज्यादातर उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे ज्यादा सफल दिखते हैं। असल जिंदगी में ये इंसान कैसे है ये हमको नहीं पता। हो सकता है कि कई सारी चीजों में हम में उनसे अच्छी खूबियां हों लेकिन हम लोग अनजाने में अपनी कमियों को दूसरों की ताकत से कंपेयर करते हैं, फिर छोटा महसूस करते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया के दौर में यह कंपैरिजन करने की आदत और खतरनाक हो गई है। इस कंपैरिजन के कारण हम खुद की प्रोग्रेस नहीं देखते, हीन भावना महसूस करते हैं और फिर कुछ करने का मन नहीं करता, यानी हम विनर इफेक्ट की साइकिल में नीचे जाते हैं। अब हम नौजवानों के लिए सबसे जरूरी बात, हम विनर इफेक्ट को कैसे उपयोग करेंगे। दोस्तों इसके सीक्रेट को एक रोचक फैक्ट से समझो।
एक स्टडी में देखा गया कि जब फुटबॉल टीम मैच के बाद मैच जीतती है तो केवल टीम का मनोबल नहीं बढ़ता बल्कि उनके फैंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यानी आपको जीत से जोड़ना है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की, जीत असली हो या थोड़ी कम असली। दोस्तों, ये असली घटना है। मेरे क्लास में एक लड़का था जिसका बदला हुआ नाम है संजय। 10th क्लास तक कभी संजय के 66% से ज्यादा नहीं आए। फिर 12th क्लास के साथ ही संजय NIT जयपुर पहुंच गया। 2 साल में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? जिस साल संजय ने 10th पास की, उसी साल संजय के बड़े भाई का किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। संजय को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे भाई का सिलेक्शन कैसे हो गया। उसने अपने भाई से पूछा। भाई ने कहा, हर दिन लग के 8 घंटे पढ़। संजय को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने भाई की जीत अपने साथ जोड़ ली और बार बार कहने लगा, अगर भाई का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। जब भी संजय कहीं अटकता, परेशान होता तो यही दोहराता, भाई का हो सकता है तो मेरा जरूर होगा। फिर संजय मेहनत करता, परेशानी से बाहर निकलता तो इसी बात पर विश्वास बढ़ता कि भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और इस तरह संजय 2 साल विनर इफेक्ट की अपवर्ड साइकिल में रहा। IIT नहीं लेकिन NIT जयपुर में उसका सिलेक्शन हो गया और इसके साथ ही उसके करियर की दिशा बदल गई। विनर इफेक्ट की अपवर्ड साइकिल में बने रहने के लिए आप 3 प्रैक्टिकल आदत डाल सकते हैं। सबसे पहली, रिजल्ट के साथ कनेक्शन बदलो। हमें रिजल्ट दिखते हैं, उनके पीछे की कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। दूसरों को तो छोड़िए, जब हमें खुद की सफलता दिखती है तब हम उसे किस्मत या समय से जोड़ते हैं कि एक वो समय था जब मैं बहुत अच्छे नंबर लाता था। जब भी आप खुद की पुरानी सफलता देखो तो उसे हमेशा कंसिस्टेंसी, फोकस और पॉजिटिव माइंडसेट से जोड़ो। हमें अपनी पुरानी सफलता देखकर ये रियलाइज करना है कि मैंने बार बार कोशिश की थी, कई दिनों तक लगातार मेहनत की थी और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट भी था, इसलिए बेहतर रिजल्ट आया। इसके साथ साथ दूसरी प्रैक्टिकल टिप, आप एक वर्कशीट बनाओ। दिन भर जो भी काम करो, मेहनत करो, उसका टाइम नोट करो। 30 मिनट भी फोकस से कुछ किया तो उसको नोट करो और खुद को बार बार याद दिलाओ, क्योंकि मैं हर दिन मेहनत करता हूं इसलिए मैं पहले से ही सफल हूं। रिजल्ट इज इक्वल टू सक्सेस नहीं होती, कंसिस्टेंसी, फोकस, पॉजिटिव माइंडसेट इज इक्वल टू सक्सेस। विनर माइंडसेट में ऊपर बढ़ने का दूसरा तरीका है, दिन की 3 छोटी जीत याद करो। हमारा दिमाग रियलिटी और सोच में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए आपका जीतने से ज्यादा जीत महसूस करना मायने रखता है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन काम शुरू करने से पहले या किताब खोलने से पहले आप 3 जीत लिखो। जीत छोटी है तो भी ऐसे महसूस करो कि आपने आज कुछ बड़ा और अच्छा काम किया। जैसे आपने उठकर बिस्तर बनाया, गमले में पानी डाला, 5 पुशअप्स लगाए, पार्टी में 1 मिठाई कम खाई, तो ये सब लिखो, जिससे धीरे धीरे दिमाग को जीत महसूस करने की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, जब हम जीत महसूस करते हैं तब हम ज्यादा देर तक दुखी और नेगेटिव महसूस नहीं करते, इसलिए लॉन्ग रन में छोटी छोटी जीत देखने की आदत बहुत मायने रखती है। तीसरी आदत है विजुलाइजेशन। ओलंपिक एथलीट्स और नेवी सील विजुलाइजेशन के द्वारा विनर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। आप खुद को छोटे छोटे रूटीन्स पूरे करते हुए देखो, कठिन मेहनत करते हुए देखो। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल को पूरा होता हुआ खुद को धन्यवाद महसूस करता हुआ देखो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एनर्जेटिक महसूस करोगे तो अपने आप को विनर साइकिल के बीच में पाओगे। समरी, विनर इफेक्ट। किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन में या कुछ नई चीज सीखने में जब हम पिछले मुकाबलों में जीत अनुभव करते हैं तब भविष्य में हमारे जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आप अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर अच्छा महसूस करते हो, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, हॉर्मोन्स बढ़ते हैं जिस कारण आप फिर अच्छा महसूस करते हो। विनर इफेक्ट की साइकिल में आने के लिए जीत से जोड़ो। आपका जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना जीत अनुभव और महसूस करना जरूरी है, इसलिए जीत से जोड़ो। लेकिन हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है और दूसरों की ताकत को खुद की कमजोरी से कंपेयर करता है, इसलिए आपके पास 3 तरीके हैं। रिजल्ट को सफलता से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, फोकस और पॉजिटिव माइंडसेट से जोड़ो। हर दिन काम करो और मेहनत करो और बार बार याद दिलाओ कि मैं ऑलरेडी सफल हूं क्योंकि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। दूसरी बात,
दिन की 3 छोटी जीत नोट करो, ये बहुत अच्छी आदत है, आपको बहुत पॉजिटिव इंसान बनाएगी। और तीसरी बात विजुलाइजेशन, खुद को कठिन रूटीन्स पूरे करते हुए देखो, साथ में लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा होते हुए और धन्यवाद महसूस करते हुए देखो, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इस विजुलाइजेशन से आप अपने आप को जीतने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर दोगे। दोस्तों, पढ़ाई से जुड़े हुए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कैसे हटाते हैं, जिम क्विक अपनी किताब में बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।